फिर स्वामी ने पूरी कहानी सुनाई कि इनको खाना पसंद नहीं है, एक लड़के ने बदमाशी करी हॉस्टल में, वो खाना कुछ पसंद का नहीं था उसका, वो गया कैंटीन में, उसने एक बन, चिप्स, चीज और जूस लेके दो लड़के छत पे चले गए खाना खाने। वो खा के नीचे आ गए और प्रिटेंड किया ऐसे कि वो डाइनिंग हॉल से आ रहे हैं, प्लेट धो के आ गए। हमें पता नहीं, मेरे रूम में थे दोनों बंदर, हमें पता नहीं और ना मैं बॉदर किया। नेक्स्ट डे भगवान ने पकड़ लिया उनको, आए बोले वो दो सेल्फिश बॉयज कहाँ हैं। हमने, सेल्फिश बॉयज कौन है भाई यहाँ पे? और स्वामी खड़े हैं और देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, एक बंदा यहाँ बैठा था, दूसरा वहां बैठा था। स्वामी ला, नूरा कम हियर, सेल्फिश, तुम्हारा फ्रेंड किधर? अब उसको खुद नहीं पता कि मुझे क्यों डांट पड़ रही है, क्योंकि ये काम उसने अलग किया था और ये गलत है, ये तो हमें और पता नहीं था। फिर स्वामी ने दूसरे लड़के ढूंढा, वो बैठा, उसको इधर आओ, वो भी आया, दोनों सामने बैठे हैं। स्वामी डांट रहे दोनों को, सेल्फिश। इन दोनों को समझ नहीं आ रहा कि हमने सेल्फिश क्यों बोल रहे हैं स्वामी, हमने किया क्या? थोड़ी देर में स्वामी ने बोला, तुमने कल रात को क्या किया? अब इन लड़कों को समझ आ गई, इन दोनों को वो क्लिक कर गया कि रात को कल हमने यही किया था। अब दोनों हंस रहे हैं, यहां स्वामी डांट रहे हैं और दोनों हंस रहे हैं, और हम सब परेशान है पीछे कि ये हो क्या रहा है। स्वामी बोला, फिश इज बेटर देन सेल्फिश। तुम लोग, ये कितना सेल्फिश है, खुद खाता है, शेयर नहीं करता है, और शेयर नहीं करता है इसलिए छत पे जाके खाता है, बैड हैबिट, शेयर करके खाओ। अब वो लोग हंस रहे हैं और हमें समझ नहीं आ रही। फिर स्वामी ने पूरी कहानी सुनाई कि इनको खाना पसंद नहीं है, इसीलिए ये लोग वहां गया, ये खरीदा, फिर छुप के खाने के लिए छत पे गया। क्यों? रूम में खाओ, और अगर खाना पसंद नहीं है वार्डन को बोलो, तुम क्या करता है, सेल्फिश बॉय, करके डांटा उसको। अब वो दोनों भी समझ गए कि अब गलती हो गई, अब क्या करें। तो थोड़ा मुस्कुराते हुए स्वामी को बड़े, स्वामी बोला, ए पनिशमेंट। बोला, स्वामी वॉट एवर यू से, जो आप बोलें पनिशमेंट मंजूर है। स्वामी बोला, हाँ थप्पड़ मारो, स्लैप योर सेल्फ, अपने आप को थप्पड़ मारो। तो एक लड़का बोलता है, स्वामी आप ही मार दो। तो स्वामी ने कहा, हाँ इसमें भी तुमको चांस चाहिए। सी, भगवान का हाथ लगना भी तो बहुत बड़ी दया है, तो वो थप्पड़ भी नहीं मारेगा आपको। कितने लोगों को भगवान ने अवॉइड किया है, कितने लोगों को भगवान ने अवॉइड किया है, अवॉइड समझते हैं ना, मतलब आपकी तरफ देख, हम यहां बैठा हुआ है, किया है कभी? जितनों को किया है ना, वो देन याद रखिए और अपने आप को धन्य मानिए कि आप सबसे बड़े लकी हैं। कैन यू इमेजिन, भगवान ये सृष्टि करता, देवों का देव, अवॉइड करने के लिए क्या करता है? रात भर सोचता है कि कल मैं उस गधे को अवॉइड करूंगा। कितनी इंपॉर्टेंस दी आपको कि मुझे तुझे अवॉइड करना है, क्योंकि उसमें अभी होप बाकी है, वो अच्छा हो सकता है। तो वो आपके लिए इतना कॉन्शियस है कि रात भर सोचता है कि मैं कल उसको अवॉइड करूंगा, और नेक्स्ट दिन आके पहला काम करते हैं ढूंढता है कि हो कहां यार, क्योंकि अवॉइड करने के लिए पता तो होना चाहिए कहां बैठे हो। फिर जब पता लग गया तुम वहां बैठे हो, फिर आपके नजदीक आके रहेंगे, नजदीक नहीं आएंगे ज्यादा, मगर नजदीक आएंगे और आपके चारों तरफ के लोगों से बात करेंगे, सबसे बात करेंगे, आपसे नहीं करेंगे। कितनी इंपॉर्टेंस, कितनी इंपॉर्टेंस कि भगवान ने अपनी जब सृष्टि बनाई, जब प्लान किया कि मैं ये करूंगा, उसमें उन्होंने वो 5 मिनट आपके लिए एलोकेट किया। कितनी खूबसूरत बात है ना, कि भगवान ने एलोकेट किया कि मैं उस 5 मिनट इसके नाम पे, इसको मुझे अवॉइड करना है कि ये मेरी बात समझ जाए।
कैन इमेजिन, उनकी हर एक अदा में ग्रेस थी, उनके मुंह फेरने में भी बहुत दया थी। हमारे एक प्रोफेसर थे, उनको पामिस्ट्री का शौक था और अच्छे खासे पामिस्ट बन गए थे बाद में। तो एक दिन भगवान ने उनको शायद मॉर्निंग इंटरव्यू में बुला लिया। कॉलेज का दिन था और अंदर जाके भगवान ने उनसे कुछ बात बात करी होगी, तो शायद कुछ इशू होगा, मुझे पता नहीं पूरा, मगर था कि स्वामी ने उससे बात बातें पूछा कि तुम क्या पामिस्ट्री करता है। तो ही सेड, स्वामी आई बिलीव इन पामिस्ट्री। एंड ये स्वामी बोला, यस ये ठीक है, मगर जब मैं पकड़ता है तो कुछ नहीं कर सकता, नो लाइन्स कैन हेल्प यू। फिर उन्होंने उसका हाथ पकड़ा उनका और हाथ पे ऐसे अपना हाथ फेर दिया, तो उनकी सारी लाइन गायब हो गई। ही हैड अ ब्लैंक हैंड। तो देखा अपना हाथ, ये क्या हो गया। तो स्वामी ने देखा, अब मेरे पास योगक्षेम, मैंने ले लिया। वो आदमी इतना खुश हुआ, वो अपने कमरे में गए, उनके पास जितनी वो एस्ट्रोलॉजी किताबें थी उन्होंने बारी बोरिया बिस्तर और कुएं में फेंक के आ गए। और जब टीचिंग क्लास में गए तो वहाँ बच्चों को दिखाया, देखो मेरा हाथ साफ है, भगवान ने मेरे हाथ से लाइनें ले ली।